करो गाइस, केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो फाइनली पहुंच गए गाइस, और थोड़ी दिन गाइस साथ में यार, यहाँ पर मजा कुछ अलग है भाई। यहाँ पर रेनबो बना हुआ है ना, यहाँ पर तो यार पूरे बाबा का झोंक है भाई। 30 किलोमीटर के बाद बाबा की नगरी में आ जाएंगे, बाबा के पास। चलो गाइस, एक भैया मिल ही गए यार, उठा उठ मनी ट्रैवल किया था ये 1 साल पहले है ना। और आप बहुत है यार, चढ़ाई 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 हाई चढ़ाई करिए। मेहनत मुझे बताया ना कितना मेहनत लगती है। बहुत आजकल के जो राइडर्स वगैरह बन रहे हैं ना, कि आज मैं बाइक चेंज कर देता हूँ, कल कार चेंज कर देता हूँ, पड़ेगा भाई यार दौड़ता है भाई। वहाँ पे कितना दिन लगा? आज 31 दिन हुआ। 31 हेलो जी, वेलकम टू बैक न्यू एपिसोड गाइस। आई होप आप लोग मस्त होंगे और आप लोग कृपा से हम भी मस्त है भाई। बोलो तो मस्त हर हर महादेव से हम दोस्तों, जय श्री राम। तो आज का जो बोले स्टार्ट हो रहा है, गुप्तकाशी से स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ से केदारनाथ का दूरी 45 किलोमीटर है। कल रात को ही हम आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर एक आश्रम में रहे थे और खाना साना आश्रम में खिलाया। बहुत बड़ा आश्रम है भाई, और पीछे में देख सकते हो मेरा वही आश्रम है। और यहाँ पर एक चेक करो गाइस, हम लोग कल उस रास्ते से आए थे नीचे से, और चेक करो गाइस ऊपर तक को जाना पड़ेगा यार। उस रास्ते से ऊपर तक जाना पड़ेगा, फिर कितना ऊपर चढ़ाना है भाई पता नहीं, क्योंकि यार एक बाइक के 2 बजे से यार चढ़ाई कर रहा हूँ, साइकिल ठेल कर चला रहा हूँ है ना। लगभग 6 बज गया भाई, भी एक भी बार नीचे जाने का रास्ता नहीं मिला, चढ़ नहीं पाए। 2 बजे से ठेल ठेल कर आ रहा हूँ गाइस। अब देखते हैं यार कितना ऊपर तक चढ़ाई होता है, जैसे बोला हुआ कि इच्छा जहाँ तक चढ़ाई करना ही करेंगे भाई, मगर केदारनाथ तक लेंगे भाई, बाबा की नगरी। और यहाँ पर एक चेक करो गाइस कुछ पहाड़ के दृश्य, और वहाँ पर ये चेक करो गाइस सुबह सुबह। गाइस यहाँ से अब निकलेंगे, लगभग 6:30 हो चुका है अभी सुबह सुबह, और मैं अभी फ्रेश होकर थोड़ा जा रहा हूँ साइकिल के पास। साइकिल कहाँ रह गए तो वो भी दिखाएंगे आप लोग को। अब पर 1 किलोमीटर कटाने में गाइस लगभग 15-20 मिनट से ज़्यादा लगता है 1 किलोमीटर कटाने में, वो भी कम ही बोल दिया मैंने, लगभग आधा घंटा चला जाता है। यहाँ से घूमेंगे ना, फिर वहीं पर वैसे रिटर्न हो गए, वहीं पर आना है हमको, सिर्फ इतना दूरी पार करना है और उधर से घूर कर आना है, फिर इधर से फिर उधर से करना है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो जाता है यार चलते चलते, लंबाई की दूरी में तो 1 किलोमीटर नहीं होगा गाइस। तो वही बात है भाई, तो मिलते हैं गाइस कहाँ पर, आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सुबह सुबह तो यहाँ पर जा रहा है गाइस, ठंडा लगता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यार। और यहाँ पर ये चेक करो गाइस, हम लोग यहीं पर सोए थे रात को, और अपना ये भारत यात्रा। रात कैसे गिर जा मजे में, बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बन गया बात नहीं। आज तो मुझे भी नींद बहुत अच्छा सा आया गाइस, फिर भी यार अभी निकलते हैं गाइस सॉरी। और ये चेक करो गाइस, अपना ये साइकिल यहीं पर रात को लगा कर छोड़ दिए थे यार। आज तो हमको थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम होता है यार, गए जा रहे यहाँ से पैदल तरह करना पड़ेगा, क्योंकि यार पूरे मार्ग रास्ता चढ़ाई चढ़ाई है भाई। कल से ही ठेल रहा हूँ, आज भी थकेल रहा हूँ, कल से आज मिला भाई ऐसा रास्ता थोड़ा चलाने वाला, देखते हैं गाइस कहाँ तक पहुँचे। नाला गांव हार का नजारा, यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाते हैं, जाओगे
पैसा पेमेंट कर लो। नहीं हम नहीं करेंगे भाई, हम ऐसे ही ठीक है। नेपाल से है? नेपाल नेपाल से तो नेपाल से कहाँ से होते आते हैं? बिहार यूपी कट कर आए। हम सोचे नेपाल से जैसे इधर काशीपुर सितारगंज। नहीं ये नहीं आए हो, हम लोग का पूर्वी कोण में है। वहाँ पे कितने दिन लगा? आज 31 दिन होगा। 31? चलो आगे बढ़ाओ, बहुत ठीक है, हिम्मत है आपके अंदर, वेरी गुड, धन्यवाद। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है और सब ठीक है अंकल, मजे में कट रहा है जिंदगी। बहुत नेपाल से नहीं, काठमांडू से भी आगे है। ये बिहार की तरफ से नेपाल से, हमारे घर से काठमांडू। हाँ मेरा घर वही है। उतै के हुनुहुन्छ? हैन म चाहिँ सप्तरी जिल्लाबाट। ए त्यो सप्तरी जिल्ला लानहरू थाहा छ नि, लान आज 31 दिन हजुर भएको छैन। 31 दिन 31 जहाँ नाइट स्टे वहीँ रुक्दछ। जैसे कि मठ मन्दिर हो गया वो आपका, जहाँ पर कोई ढाबा के अगाडि में टेंट लगाकर सो जाते हैं। धन्यवाद। कुछ खाओगे पियोगे? नहीं ठीक है अभी, आगे में कुछ कर लेंगे। थैंक यू दीदी। हम लोग तो कल चढ़ेंगे शायद। बहुत बड़े भक्त हैं बाबा जी के। आज तो पुग्छु है ना, तो अलि हाम्रो लागि चढाउन पर्छ नि, त साइकल ठेले लग्नु पर्छ। भोलि चढ्छु, आज 30 किलोमिटर यहाँबाट त्यही छ। 30 किलोमिटर कहाँ गोरी कुण्ड कितना है? कमी होगा, अब सीतापुर पड़ेगा, सोन प्रयाग, उसके बाद 5 किलोमीटर आगे गोरी सोन प्रयाग। वही तो, अब टाइम मिला तो आज ही चढ़ेंगे। आज ही से स्टार्ट हो जाएगा, तुम चिंता ना करो कि गाड़ी को। आज से स्टार्ट हो गया तो और अच्छा रहेगा, बाबा की कृपा से। अब तो तुम पहुंच गए हो यार। वही तो, अब तो पहुंच गए हम। बाबा बुला रहे हैं, जाओ। ठीक है आंटी। ना तुम्हारे के पास हेलीकॉप्टर से भी जाता है गाइस। अब निकलना पड़ेगा भाई, यार दौड़ता है भाई। अबे यार ये कौन सी जगह भैया? कुमेरा। कुमेरा ठीक है भैया, मिलते हैं कल का। गाइस यहाँ से चाय पिया वहाँ पर भैया जी के दुकान में, और वहाँ से अभी निकल रहे हैं गाइस। उसमें चलाना पड़ेगा, अब क्या ही करे भाई, चलाना तो पड़ेगा ना। अबे यार कितना चढ़ा है भाई, चढ़ाई बहुत है यार, चढ़ाई। आऊंगा फिर, मिलते रहेंगे अब इसी रास्ते। तो गाइस ये कौन सी जगह है भैया? कुमेरा। कुमेरा कुमेरा से निकल रहे हैं गाइस यार अभी, और भैया ने थोड़ा हेल्प और सपोर्ट किया यार सब्सक्राइब करके। मैं यहाँ पर अभी जा रहा था तो भैया सब ने देखा तो यहाँ पर चाय पीने के लिए बुला लिया, तो यहाँ पर मिल सकते हो गाइस। तो यहाँ पर भी सभी भैया सब है, यहाँ पर अंकल और यहाँ पर चाय वाले भैया। तो गाइस यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है यार। ऐसे प्यार और सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्यार और सपोर्ट से हम लोग निकल पाते हैं और हम लोग घूम पाते हैं यार। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना गाइस, और चलते हैं हम। कैसा खतरनाक रास्ता,
जाए सच में यार, यहाँ पर मजा कुछ अलग है भाई। यहाँ पर रेलवे बना हुआ है ना, यहाँ पर तो यार पूरे हवा का झोंका है भाई, पूरे तेज है भाई यहाँ पर, बहुत ठंडा पानी है यार, मजा आ गया गाइस यहाँ पर आकर, थकान दूर हो जाता है। नेपाल से? हाँ भैया। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। कहाँ से हुआ है भैया? नेपाल से। सीधा नेपाल से यार? हाँ। कितना किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से? यहाँ से 16-17 से हो गया होगा। पूरा 16-17 किलोमीटर? हाँ। 31 दिन हो गया आज। 21वां दिन है आज। तो कहाँ कहाँ का है? हाँ पूरे यूपी बिहार कट कर रहा है। बद्रीनाथ तुंगनाथ तीन तो करेंगे, उसके बाद देखते हैं बोला हुआ की इच्छा अनुसार कहाँ कहाँ जा पाते। तो भैया सब तो मिलकर बहुत अच्छा लगा यार, भैया सब तो आ गया है ना। हम केदारनाथ का है। केदारनाथ जय बोले हर हर महादेव। मिलकर अच्छा लगा भैया। गाइस अपना वाटरफॉल और यहाँ पर वाह रेनबो, क्या मस्त सीन है गाइस। रेनबो भाई रेनबो बनता है यहाँ पर। रेनबो का सीन हमको बहुत अच्छा लगा यार। रेनबो है ना गाइस, रेनबो यहाँ पर पानी में भी मिलता है, नीचे में भी। पर ये रेनबो का सीन बहुत अच्छा है ना भैया? हाँ बिल्कुल भाई, वही तो रेनबो खतरा बनता है। मेरा चैनल है, एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो बारिश के मौसम में देखने मिलता है वो वहाँ पर। हाँ, मिलता दो तीन साल के बाद हम देखे रेनबो, यहाँ पर तो झरना बन जाता है। पैदल पैदल चलते रहो चलते रहो, बाबा के नकरी पुकते रहेंगे। चलो गाइज एक भैया मिल ही गए यार, उठ आउट मनी ट्रैवल किया था ये एक साल पहले है ना भैया। और आप नेपाल से कहाँ से? नेपाल से ऊपर ही था। मैं नेपाल में भी गया हूँ उधर अपना पोखरा साइड। पोखरा साइड तो टैंकर से गए? नहीं वैसे मैं बाय ट्रेन, बाय ट्रेन रक्सौल। उसके बाद एक मेरा क्लाइंट था क्या कहते हैं नेपाल का, उसकी बाइक उठाई सीधा नेपाल। कितना आर आर और भैया अपना सारे सामान लेकर घूम रहे हैं। अरे किराना ट्रैक्टर जा रहे हैं ना। सही तो ये लेके गए थे चढ़ने के लिए ना? नहीं ये चढ़ने के लिए, ये सपोर्ट दे रहा था बैक को, बैक को ले इनके लिए पैनियर वगैरह नहीं बनता ना वैसा। हाँ हमने सब क्लियर भी है तो सपोर्ट के लिए आर आर 3 से 10 पड़ेगा। अभी क्या रीच चल रही है भाई, भाई को सपोर्ट करो यार, प्यार दो भाई। साइकिल से कर रहा है, साइकिल से पता है क्या देख रहे हो भाई कितना स्पीड हो गया है। सपोर्ट करो आके फिर भाई के चैनल, भाई के चैनल का नाम क्या है? पशुपति अलोन। पशुपति अलोन। हाँ तो भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब जहाँ भी आप सर्च कर सकते हो, जिसको भी आप दिखा सकते हो दिखाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाओ। मेरा दिल से यही कहना है, भाई को ढेर सारा प्यार दो। प्यार और सपोर्ट उत्तराखंड से, दिल्ली से जो देख रहे हो दिल्ली से, क्योंकि मैं खुद दिल्ली और का हूँ, तो बाकी मैं भाई की वीडियो जरूर शेयर करूँगा। धन्यवाद भैया, इतना ही प्यार उसको बोलता है भैया। बिल्कुल भाई जी। अरे मेहनत करिए, मेहनत मुझे पता है ना कितना मेहनत लगती है बहुत। आजकल के जो राइडर सुबह वगैरह बन रहे हैं ना कि आज मैं बाइक चेंज कर देता हूँ कल कार चेंज कर देता हूँ, उससे व्यूज ले जा रहे हैं, वो सब नकली है। समझ रहे हो ना किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बस समझदार से हम लोग का सिर्फ वो साइकिल से राइड और विदाउट मनी ट्रैवल करना इतना मुश्किल है ना भाई। विदाउट सबसे ज्यादा है मुश्किल विदाउट मनी, साइकिल से भी राइड कर रहे हो? शेयर कर देता हूँ अभी आपकी। सबसे ज्यादा होता है विदाउट मनी ट्रैवल करना। अरे वो स्ट्रगल होता है भाई। हाँ मैंने किया, आओ पराठे पराठे बनवाता हूँ। आ जाओ भैया, आ जाओ भाई। भैया की तरफ आप ले हो, हम तो करो आलू का पराठा चटनी भैया ने खिलाए प्योर सिंह ब्लॉक। अरे अनिरुद्ध यही क्यों? नहीं नहीं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र वहाँ पर भी हम आएंगे कभी, वहाँ पर कुछ वैसा घूमने की कोई जगह? बहुत कुछ कुछ पूरा महाराष्ट्र में घूमने का ही जगह है, हम आएंगे वहाँ पर भी आएंगे। और ये देखो गाइस कैसा है यार,
गाइस यार यहाँ से बाबा की नगरी सिर्फ 33 किलोमीटर बचे है गाइस। 30 किलोमीटर के बाद बाबा की नगरी में आ जाएंगे बाबा के पास। तो बोल दो गाइस हर हर महादेव। इतना सफ़र कटने के बाद एक महीना तो क्रॉस हो चुका है गाइस आज, तो फिर भी यार बाबा के पास जा रहे हैं तो दिल से खुशी हो रहा है भाई। नहीं वहाँ नेपाल और इंडिया में जाने के लिए सिर्फ देखेगा आपका आधार कार्ड देखेगा और एंट्री करेगा। हाँ वहाँ पर लिख के रख लेगा, जा रहे हो घूमने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर लिखेगा। एक दिन हो गया आज। और कहाँ कहाँ करे? पूरा बिहार यूपी कट कर आए, अयोध्या और सभी। नेपाल से ही हो? नेपाल से ही। विदाउट मनी ट्रेवल? कोई पैसा लेके नहीं निकले? नहीं। कैसे खाते पीते कैसे हो? हेल्प मिल गया रास्ते में बहुत। यहाँ पर आपको यूपी और बिहार में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, उत्तराखंड में भी दिक्कत नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, कहीं पे भी नहीं हो रहा। जय बोले की कहाँ से आ रहे हो आप? नेपाल से। नेपाल से कितने दिन हो गए आपको? 31 डेज। 31 डेज हो गए? हाँ। विदाउट मनी ट्रैवल एंड सोलो राइड? कोई पैसा नहीं आपके पास? नहीं। फिर खाते कैसे हो? हेल्प मिल जाता है, आज एक भैया ने खिला दिया आगे में। अच्छा खाना खा रखा आपने? हाँ आगे खाए, पराठा खाए। 1100 रुपये आपको हमारी तरफ से। धन्यवाद भैया। ठीक है आप खाओ आराम करो। ठीक है ठीक है, वेल डन। आप ट्रैवल करके चले आए? हाँ हाँ, मैं अभी जाके दर्शन करके आया हूँ। मैं आसाम से हूँ। आसाम से? जी। बहुत अच्छा, हम आसाम आएंगे। आना आना, श्योर आना। साइकिल से ही आएंगे। लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है मिलते हैं। क्या नाम है भैया? अनविद। अनविद यार यहाँ से फिर 8 किलोमीटर की दूरी में है गौरीकुंड, उसके बाद केदारनाथ। तो गाय जाओ यहाँ पर ठंड भी लगता है यार, अभी से ही ठंड लग रहा है। हाँ नहीं ठीक है भैया। ऋषिकेश में? ऋषिकेश में निकले हुए कमल जगह है? जगह नहीं है, मतलब जगह तो लेक है। हाँ लेक में होता है, हाइट में जाना है आपको। ठीक है कल जाएंगे वहाँ पर और सुबह में हम निकल जाएंगे उधर देखने। देखते हैं महादेव की कृपा से। बहुत हिम्मत है तुम्हारे ऊपर ना, इतना दूर नेपाल से आए इधर, छोटे बच्चे हैं। अशोका होटल के भगवान की भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं भाई, जो कि इतने दूर से आए जो है अशोका होटल। अशोका आगे गौरीकुंड में, और गौरीकुंड में वो कौन सा नहाने का कौन सी जगह है? वो है वहाँ गर्म कुंड है। गर्म कुंड है ना, वही पास जाने का रास्ता है। गाइस ये चेक करो अपना, यहाँ रजिस्टर हो गया केदारनाथ यात्रा, चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है यार। तो मिलते हैं गाइस अगारी यहाँ से गौरीकुंड में। नेपाल गए आज उधर काम आ रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में देखे, इनका हिम्मत कितना है देखे। ये है भक्त है, इसीलिए कितना बड़ा भक्त दिन भाई 31 दिन बिहार यूपी कटरा जनकपुर करो गाइस। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो फाइनली पहुंच गए गाइस अब थोड़ी दिन। तो गाइस अभी सोन प्रयाग आ चुके हैं ना, अब यहाँ से यहाँ पर आपने यार यहाँ नेपाली दाईहरू हुनुहुन्छ यहाँ पर हजुर पनि नेपालकै हो दाइ? त्यही त पशुपतिनाथ रेस्टुरेन्ट, यहाँ दिदी पनि हुनुहुन्छ। यहाँ पर यह चेक करो गाइस, भैया तब तक घुर के चले आए यार केदारनाथ से, और ये भी भैया है ना घुर के चले आए केदारनाथ से। हम लोग अभी चढ़ाई करेंगे और भैया लोग तो साइकिल लेके गया था, हम भी लेके जाएंगे यार, क्योंकि पहले से हम सोच के रखे लेके जाएंगे तो जाएंगे, महादेव के नाम लेंगे सही से हो जाएगा, जरूर हो जाएगा यार। उतनी दूर से लेकर आए तो हाँ हो ही गया ना, यहाँ पर 20 किलोमीटर नहीं चढ़ाए कर सकते? एक दिन लगा दे, कोई बात नहीं, दो दिन लगा देना। वही तो भाई करो गाइस, नीचे से ऊपर तक आने में
यहाँ से फिर वहाँ पुला पे, उसके बाद यहाँ तक आते हैं यार। फिर भी यार बहुत मज़ा आ रहा है, अभी जाते हैं गाइज पीछे होता है सीन। सो फाइनली गाइज अभी मैं गौरीकुंड आ चुका हूँ गाइज, तो और यहाँ पर आज यहीं पर रेस्ट किया है और रात को आज रात यहीं पर बिताएंगे और उसके बाद सुबह में 4 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, तो देखते हैं गाइज कैसा होता है 4 बजे। तो आज का ब्लॉग में इतना ही था गाइज, यार मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी गाइज।